ते हुण गल फिल्मी दुनिया दी। पंजाबी फिल्मां दी मशहूर अदाकारा गुरलीन चोपड़ा साडे स्टूडियो पहुंचे। इस मौके उन्होंने कीती साडे नाल खास गलबात। इस मौके कहा कि उन्होंने आओ तुहानू सुनाने आ। इस वेले मेरे नाल डे एंड नाइट न्यूज़ रूम च मौजूद ने बहुत ही स्पेशल गेस्ट। जी हाँ, उन्हें गुरलीन चोपड़ा जो कि नज़र आन जाने वाले ने पंजाबी फिल्म किरपान विच। वेलकम टू डे एंड नाइट न्यूज़। थैंक यू सो मच शादीप। गुरलीन जी, सब तो पहला ये दसो, जब भी तुहाडा डे एंड नाइट न्यूज़ च आना हुंदा है, किहो जिहा लगदा? बहुत वधिया लगता है। मैनूं तां इवें लगदा कि मैं अपने घर ही आई हाँ, बिकॉज एक तो चंडीगढ़ च है और चंडीगढ़ मेरा घर है, और दूसरा मैं लास्ट फिल्म अज दे रांझे विच डी एन एड न्यूज़ रिपोर्टर का रोल प्ले किया। सो मैनूं लगता कि मैं अपने घर ही आ रही हाँ, घर विच एक स्टूडियो उत्थे ही आ रही हाँ। अच्छा गुरलीन, आप किरपान की गल करांगे, फिलहाल तुसीं किरपान की शूटिंग खत्म की है, पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी खत्म हो गया, तो अजकल किस तरह फिर की कर रहे हो, तुसीं रेस्ट कर रहे हो, आराम फरमाया जा? नहीं, बस फिल्म की प्रमोशन शुरू होने वाली है जी, और डबिंग होने कंप्लीट की है, थोड़ा जहा रह गया, मैं अजकल कंप्लीट कर दाँगी। सो बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है। अमरीक गिल जी इज़ अ डायरेक्टर, फर्स्ट टाइम डायरेक्ट कर रहे हैं पंजाबी फिल्म, इज़ अ वेरी बिग नेम इन बॉलीवुड, जिन्होंने जीत, हम दिल दे चुके, सनम, यादें एंड पंजाबी फिल्मा भी लिखी हैं। सो फर्स्ट टाइम उन्होंने काम करने का मौका मिल रहा है, बहुत कुछ सीखे है। जो तुम इन्ने सीनियर बंद इन्ने एक्सपीरियंसड बंद काम करते हो, थोड़ा बहुत सीखने का मौका मिलता है। सो प्रोड्यूसर रजिंदर सिंह बनवैत इज़ अ लाइक माइंड ब्लोइंग प्रोड्यूसर, बहुत वधिया इंसान है, और अच्छी फिल्म बनी है। रोशन प्रिंस हीरो है, समीक्षा है, शी इज़ ऑल्सो डूइंग, अश्विंदर माहल जी, सुनीता दी, गुलशन कुलभूषण खरबंदा, सो सारे आर्टिस्ट है। बहुत खूबसूरत फिल्म बनी है, लंडन च असी शूट किया है, पंजाब शूट किया है। आई थिंक काफ़ी साल बाद पंजाबी फिल्म की शूटिंग लंडन विच हुई है, और बहुत ही अच्छी बनी है। सो होप 7 फरवरी नू रिलीज़ हो रही है, सो लोग इन बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। अच्छा, आप जी फिल्म किरपान की गल करिए, किस तरह की फिल्म होगी? किरपान फिल्म है जी, जिवें अज दी जनरेशन है अपनी विरासत नूं भुल चुकी है, या जिन्होंने नहीं पता कि साडे जिहड़े बजुर्ग सीगे उन्होंने की कुर्बानियां दित्तियां, साडी जिहड़ी विरासत है किरपान वो कित्थे पई है, साढ़े अज के यूथ नूं खा लिया, पी लिया, घूम लिया, नशे कर ले, कुड़ी फसा ली, घुमा लिया, सो आ चीज़ा वल ज़्यादा ध्यान है, बट अपनी विरासत तो विछड़े हुए हैं। सो ये जुड़न की कोशिश की जा रही है। इट्स नॉट अ रिलीजियस फिल्म, इट्स फुल टाइम कॉमेडी, रोमांटिक, रोमांस है, प्यार है, मुहब्बत है, और बट एक लैसन भी है नाल दे नाल अज दे यूथ नूं, जो देना बहुत जरूरी सीगा। सो अमरीक जी ने देने की कोशिश की है, आई होप अज दे यूथ लिए एक बहुत वड्डा लैसन होएगा और एक टर्निंग पॉइंट होएगा उन्होंने लाइफ का। अच्छा, आपा तुहानूं रीसेंटली जर्नलिस्ट के रोल च देखिया, तो आपा गुरलीन चोपड़ा नूं इस फिल्म च किरपान च किस तरह के रोल च वेखांगे? किरपान विच तुसीं मैनूं NRI लड़की, लंडन की लड़की हाँ जैसमीन, रोल प्ले किया, जो कभी पंजाब नहीं आई, कभी इंडिया नहीं आई, उस लड़की का किरदार है। सो बहुत खूबसूरत है, जिहदे मदर पंजाब तो बिलोंग करदे आ और फादर ब्रिटिशर है, सो किवें ओह हीरो दी हैल्प करदी है, किवें किवें उहनूं किरपान पाउण विच उहनूं मोटीवेट करदी और उहनूं उहदे मकसद विच कामयाब करन विच उहनूं हेल्प करती है। सो ये सारे थानू देखने को मिलेंगे, बहुत स्वीट लड़की है, रोमांस है, प्यार है, रोंदी भी हाँ इस में, और ऑडियंस में रुमावांगी भी फर्स्ट टाइम, सो गुड। जिस तरह तुसी कह रहे हो कि ऑन स्क्रीन तुसी रोमांस कर रहे हो, तो जो निजी जिंदगी पूछा जाए तुसी कितने को रोमांटिक हो रही है लाइफ च? निजी जिंदगी मैं इन्नी रोमांटिक तो नहीं हाँ, बट यस मैं इमोशनल बहुत हाँ, आई एम वेरी इमोशनल परसन, मैं बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाती हाँ अच्छे लोगों के नाल, रोमांटिक भी हो सकती हाँ अगर कोई अच्छा इंसान मिले तो। अजे तक कोई अच्छा इंसान नहीं मिले? नहीं, हले तक नहीं मिले। जो मतलब कि तुम फ्री होने हो, जो स्पेशली बॉम्बे होने उदो तो जरा सारा रूटीन होंगे? हाँ, बॉम्बे लाइक सवेरे जल्दी उठीद, जिम जाइए, वापस आईद, नहा धो के तैयार होकर पाठ वगैरह करके मीटिंग्स होंगे, मीटिंग्स चल जाइए, शामी कभी योगा क्लास होंगी उधर चल जाइए, या नहीं तो इवनिंग वॉक होंगी है, बस यही रहा है, या कभी शूट आ जाए कुछ ऐड का अच्छा लाइक, सो वो चलता रहा है। एंड आई एम ट्राइंग फॉर बॉलीवुड नाउ सम लाइक विद गुड प्रोडक्शन हाउसिज, मेरी अच्छी गल् चल रही हैं, सो आई थिंक बाय नैक्सट ईयर आई गिव यू गुड सरप्राइजिज। अच्छा गुरलीन, तुसी चंडीगढ़ तो, ते जदों तुसी छोटे सी या जो तुसी कॉलेज जाते सी, चंडीगढ़ की कोई एहो जी याद है, कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग मेमोरी जिहड़ी तुसी साडे नाल शेयर करना चाहोगे? चंडीगढ़ तो खुद ही याद है मेरे लिए, क्योंकि मैं इत्थे पैदा हुई हाँ, मेरी स्कूलिंग भी इत्थों हुई है, कॉलेज भी इत्थों होया है, और वधिया लगता है। जो मैं कॉलेज सीगी GCG 11 च, मैं याद है मैं अपनी फ्रेंड्स के नाल स्कूटर के उपर गेड़िया मारती सी, 10-11 दिया मुंडे पिछे लाँदी सी, या लगते सके मुंडे सानू देख के, तो वधिया लगता सीगा उदो, मतलब हुण भी जो मैं उस सड़कों पर निकलती हाँ तो बहुत अजीब लगता, उदो मैं स्कूटर पर हुंदी सी, हुण मेरे को कार है, सो समटाइम लोग पछाण भी जाते हैं, तो हुण वह हरकत नहीं कर सकती जो उस टाइम करती हुंदी सी, बस वो थोड़ी चीज़ा मिस करती हाँ, यू नो।
ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਲੀਨ? ਮੇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਪਰਸੋਂ ਵੀਕ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਲੈਟਸ ਸੀ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੋਪਫੁਲੀ ਵੈਰੀ ਸੂਨ ਆਈ ਵਿਲ ਸਾਈਨ ਵਨ ਮੂਵ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਅਸ, ਇਟ ਵਾਸ ਆਲ ਪਲੇਜ਼ਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਦਿਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਲੀਨ ਚੋਪੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਕਮਿੰਗ ਫਿਲਮ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਦਰਸ਼ਕ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੋਮਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੈਦੀਪ ਮਿੱਤਰਾ, ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਜੁੜੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ। ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦਿਨ ਰਾਤ।